अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खतीब अवान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो एक मोटेशन आपको दिखानी है, इसके ऊपर है। ये माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें जो ऊपर बैठी हुई है ये फीमेल है और जो नीचे बैठा हुआ है ये मेल है। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिखाना था कि इस ब्रीडर पेयर है ये मेरा, और माशाल्लाह इसने इस मरतबा जो ब्रीड की है इसमें से जो बच्चे निकाले हैं वो माशाल्लाह चार बच्चे निकाले हैं फ्रेंड्स, और चारों के चारों का कलर, उनकी माउंटेशन चारों की चेंज है। तो मैंने आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये देखें, इसका एक बच्चा जो है वो तो अंदर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा एक बच्चा इसका फ्रेंड्स ये है, ये अब वायलेट नज़र आ रहा है, देखें आपको एक बच्चा इसका ये है, और ये देखें फ्रेंड्स ये बाहर आ गया ये बच्चा, ये इसका एक बच्चा है जो कि वायलेट नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी सेल्फ़ नहीं हुआ, तीन बच्चे इसके सेल्फ हो चुके हैं जो कि मैंने अलहदा कर लिए हैं, मैं अभी उनको वो भी आपको दिखाता हूँ। और आप देखें कि ये जो है ना ये स्प्लिट है, ये स्प्लिट किसके हैं ये फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, आप भी बताएं कि ये कौन से स्प्लिट है। और ये देखें मेरे फ्रेंड, ये इसके तीन बच्चे हैं माशाल्लाह, जिसमें एक आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, एक आपको स्लेटी जो है ना ये सेबल स्लेटी नज़र आ रहा है, और एक आपको मेहंदी कलर का बच्चा नज़र आ रहा है। ये चारों बच्चे इस पेयर के हैं जो कि ये तीन सेल्फ हो चुके हैं, तो मैंने इसे इन्हें अलहदा कर दिया है और एक बच्चा भी उनके साथ है। तो फ्रेंड्स, बात ये होती है कि आप कोई भी अगर स्प्लिट ख़रीदते हैं, स्प्लिट लेते हैं, और वो अगर 100% स्प्लिट है तो उसमें आपको बच्चों की रेशो अलहदा अलहदा नज़र आती है, अलहदा अलहदा आते हैं। अब ये देख लें, ये माशाल्लाह तीन बच्चे जी हैं और ये चारों बच्चे चारों के कलर अलहदा हैं। इसने सात अंडे दिए थे, तीन अंडे इसके ख़राब हो गए थे, तो अभी माशाल्लाह फिर ये जो मेटिंग इनकी चल रही है ये फीमेल लेइंग पे है, बस आने वाली है इंशाल्लाह, लेइंग करने वाली है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? तो फ्रेंड, मुझे आपको कहने का मतलब ये था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये था कि ये जो अब बच्चे हैं ये मैंने तीनों सेल्फ करके छोटे से केज में मैंने छोड़े हुए हैं, क्योंकि दो तीन दिन हुए हैं अभी मैंने इनको सेल्फ किया। तो इसमें रखने का मकसद ये होता है कि आपको नज़र आ रहा होता है कि आपके जो बच्चे हैं ये सही तरह से खा रहे हैं कि नहीं। अगर ये पूरे मुकम्मल जब सेल्फ होंगे तो मैंने ऊपर जाके कॉलोनी में जहाँ मैंने अपने बच्चे दूसरे सारे शिफ्ट किए हुए हैं इन्हें वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड, इससे ये होता है कि रखने को तो आप इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें इनकी ग्रोथ, ऊपर जो कॉलोनी है उसमें इनको फ्लाइंग मिलती है, ग्रोथ मिलती है, धूप मिलती है, और वहाँ पर इनको बहुत फ़ायदा होता है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने अलहदा किया हुआ है, तो इनको मैं सॉफ्ट फूड में रोज़ सुबह के टाइम अंडा डबल रोटी दे रहा हूँ, और दोपहर के टाइम जो मैं इनको ये दाल दाना मिक्स करके मैंने रखा होता है, अभी तो ख़त्म हो गया माशाल्लाह, इन्होंने कुछ खा लिया और कुछ गिरा दिया है। इसमें मैंने दालें मिक्स की हुई हैं जिनमें ये सबज जो है साबुत मूँग की दाल होती है, इसमें कनक होती है, और इसमें ये सिट्टा जो इसके दाने होते हैं। इनको मैं 24 घंटे भगो के रख देता हूँ और उसके बाद मैं इनको सर्व कर देता हूँ। ये बड़े शौक से खाते हैं, और फ्रेंड्स इनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। आपने अब जो बच्चे होते हैं ना इनको सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा दिया करें, रोज़ डेली की बेस पे दिया करें, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और इनका साइज़ अच्छा बने। तो इससे ये होता है कि आपका जो परिंदा है ये माशाल्लाह बहुत फिट हो जाता है, इसको इसकी ग्रोथ में बहुत अच्छी इसको नज़र आना शुरू हो जाता है, और इसके आने वाले वक्त में ये इसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। जो जब ये ब्रीडिंग पे आते हैं तो इनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो विटामिन की कमी हो जाती है, जो इनके बोन की है, हड्डियों की कमी हो जाती है, ये कमियाँ इनकी नेचुरल डाइट से पूरी करनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखें कि अगर फिर भी इनको ज़रूरत है तो फिर इन्हें मल्टी विटामिन तो आपको पता है यूज़ करवाने पड़ते हैं, तो फिर वो बाद में करवाएँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।